स्वागत है आप सभी का लेटेस्ट रिएक्शन मिक्स के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज फिर हम आरजे रौनक का वीडियो देखने जा रहे हैं और अटिक अहमद के कुछ पुराने किस्से वो बताने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का मिक्स रिएक्शन। दोस्तों, एक जमाना था जब बड़े लोग जेल पहुंचते ही बीमारी का बहाना बनाकर अस्पताल चले जाते थे, मगर जब से महान बांसुरी वादक अतीक अहमद अस्पताल के बाहर निपटाए गए हैं, गुंडे मवालियों ने तो अस्पताल के आगे से गुजरना ही बंद कर दिया है। खत्म। जिन लफंगों के अस्पताल के पास अपने घर थे, वो भी मकान बेचकर धर्मशाला में शिफ्ट हो गए। बाय बाय। जिन्हें जेलों में हार्ट अटैक भी आ रहे हैं ना, वो लोग भी ये कह रहे हैं कि यहीं पर एक पैरासिटामोल खिला दो, लेकिन हॉस्पिटल नहीं जाएंगे। गया। सुना है कल सुबह एक माफिया को पुलिस हिरासत में खांसी आ गई, तो पुलिस वालों ने उससे पूछा कि क्या आपकी तबीयत खराब है। उसने कहा नहीं। पुलिस वालों ने कहा नहीं नहीं आप नहीं जानते, आपकी तबीयत खराब है। उसने कहा भाई मेरी तबीयत है, मैं कह रहा हूं ना, नहीं खराब है। इसके बाद पुलिस ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे घसीटते हुए अस्पताल ले गई। पूरे रास्ते माफिया ये कहते हुए रहम की भीख मांगता रहा कि मुझे अस्पताल मत ले जाओ, मत ले जाओ, मैं अपना इलाज जेल में करवा लूंगा। और उसे कहा गया कि बेटा अब तो तुम्हारा इलाज अस्पताल जाकर ही होगा। गुड बाय। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं रौनक, पंतंत्र में आपका स्वागत। दोस्तों, जैसे एक क्रिकेट खिलाड़ी की महानता उसके रिटायर हो जाने के बाद ही पता चलती है, एक मूवी स्टार की ग्रेटनेस भी कई सालों बाद समझ आती है, उसी तरह गौरक्षक अतीक अहमद भी क्या अजीम शख्सियत थे। ओहो, ये हमें उनके जाने के बाद ही पता चल रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पिछले कई सालों से सुन रहे हैं कि अतीक भाई माफिया थे, डॉन थे, मगर वो नादान शायद ये नहीं जानते कि अतीक भाई ने इतना ऊंचा मुकाम कैसे पाया, वो रत्न से महारत्न कैसे बने। तो आज के इस वीडियो में हम आपको मछली पालक अतीक अहमद के जीवन के कुछ ऐसे ही किस्से सुनाने वाले हैं, जिसे सुनने के बाद आपको दाऊद इब्राहिम भी मासूम खरगोश लगने लगेगा, जिसके बाद आप किम जोंग उन को भी चप्पल चोर बोलने लगेंगे, जिसके बाद सीरिया के दहशतगर्द भी आपको स्कूल के बाहर गुब्बारे बेचने वाले महसूस होंगे। तो चलकर पैसा कमाने के बाद बात करते हैं उस शख्स की जिसने अपने कर्मों से बहुत इज्जत कमाई, जिसके जाने के बाद आज हम उनके महान अतीत की चर्चा कर रहे हैं इस वीडियो में। तो क्या था उस महान अतीक का अतीत और क्या थी अतीक भाई की खासियत, आइए एक एक करके जानते हैं। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों तक भी इसे जरूर पहुंचाएगा, शेयर करेगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करेगा। शुरू करते हैं। तो ये अतीक मियां की सबसे बड़ी खासियत थी उनकी धर्मनिरपेक्षता। आजकल जहां लोग दूसरों की मदद करने से पहले उनकी जाति या धर्म देखना नहीं भूलते, लोगों पर जुल्म ढाने से पहले अतीक भाई ने कभी भी उनका धर्म नहीं देखा। उन्होंने वार्ड पार्षद अशफाक कुन्नू की भी हत्या करवाई, तो बिजनेसमैन अशोक साहू का भी मर्डर किया। उन्होंने अपने कब्रिस्तान की जमीन बोलकर अपने मोहल्ले के हिंदुओं से उनकी जमीन हड़पना चाही, तो सभासद नस्सन को भी गोलियों से चल निकल। उनके जीते जी एक भी धर्म, जाति या बिरादरी के आदमी को कभी यह शिकायत नहीं रही कि अतीक भाई आपने उनको लूटा मगर हमें छोड़ दिया। ये अतीक भाई के उदारवादी संस्कार ही तो थे। उन्होंने अशफाक से लेकर अमित तक सबकी बराबर खाट खड़ी की। मजहब भी नहीं, अतीक भाई रिश्तों के भी बड़े पक्के थे। अतीक के भाई के घर के सामने अशरफ नाम का एक बीजेपी का नेता रहता था। अतीक भाई के भाई का नाम भी अशरफ था। अतीक भाई को यह बात अक्सर खटकती थी कि उनके भाई के नाम वाला आदमी दूसरी पार्टी में काम कर रहा है। इस बारे में सोच सोच कर उनका मूड खराब हो जाता। और एक दिन जब उनका मूड ज्यादा खराब हुआ तो उन्होंने उस अशरफ का सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया क्योंकि उनके भाई के नाम वाला आदमी दूसरी पार्टी में काम करके उनको चिढ़ा रहा था। क्या समर्पण है, क्या प्यार है, निष्ठा है और भाईचारे की ऐसी कोई दूसरी मिसाल आपको पूरी दुनिया में देखने को नहीं मिलेगी। मैं तो बस ये सोचता हूं कि शुक्र है अतीक नाम का कोई लौंडा आईपीएल टीम में नहीं, वरना उसके एक बार फेल होने पर अतीक भाई उसे अपना नाम खराब करने के जुर्म में पवेलियन से उठवा लेते हैं। वैसे शेक्सपियर कह गए कि नाम में क्या रखा है। अच्छा, अब ये कोई जाकर उस अशरफ से पूछो जो बेचारा नाम के चक्कर में मारा गया। देखिए, सारे मोटिवेशन स्पीकर ये कहते हैं कि कभी हार मत मानो। अतीक भी कभी हार नहीं मानते थे। 2004 में उनके भाई अशरफ को राजू पाल ने चुनाव में हराया तो अतीक भाई ने हार नहीं मानी और राजू पाल की हत्या करवा दी। कोई और होता तो इस हार के साथ सब्र करके अगले चुनाव के बारे में सोचने लगता, मगर सब्र का फल तो मीठा होता है और अतीक भाई को शुगर थी, इसलिए उन्होंने सब्र करके शुगर बढ़वाने की बजाय उसी वक्त राजू पाल की हत्या करवा दी। फिर उपचुनाव में अपने भाई अशरफ को चुनाव लड़वाकर और जितवाकर उस गरीब को उसका हक भी दिलवा दिया। इससे पता चलता है कि वो हर हाल में अपना मकसद पूरा करना चाहता था, फिर भले चाहे इस चक्कर में 10-20 की टांगे ही क्यों ना तोड़नी पड़े। बड़े जुझारू थे भाई।
अच्छा और एक स्पेशल बात, अतीक भाई सच्चे अर्थों में नारीवादी थे। अच्छा। ये बात उनके जुल्म करने के तरीके से पता चलती है। धर्म की तरह लोगों को परेशान करने से पहले उन्होंने कभी उनका जेंडर भी नहीं देखा। सूरज कली का मामला सबसे बड़ा सबूत है। अतीक भाई ने साल 1989 ब्रज मोहन साहू नाम के शख्स की 12.5 बीघा जमीन पर कब्जा करना चाहा। साहू जब जमीन देने को तैयार नहीं हुए तो अतीक भाई साहब ने साहू को गायब करवाया। साहू को गायब करवाने के बाद उनकी पत्नी सूरज कली को भी बराबर टॉर्चर कि वो जमीन उनके हवाले कर दे। कोई और होता ना तो एक अकेली औरत पर इतना जुल्म नहीं करता, मगर अतीक भाई ने ये फर्क करके उसे औरत होने का एहसास नहीं करवाना चाहते थे। वो चाहते थे कि आज के मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये भी धक्के खाए। इसलिए बार बार समझाने पर भी सूरज कली ने जब बात नहीं मानी तो अतीक भाई ने सूरज कली पर गोली भी चलवा दी। कहते एक सच्चा शिष्य वही है जो अपने गुरु से भी आगे निकल जाए। इस मायने में अतीक भाई सच्चे शिष्य थे। 1979 में चकिया में किए गए उनके कत्ल से इंप्रेस होकर चांद मियां ने उनको अपना शागिर्द बना लिया। जल्द ही चेला गुरु से आगे निकल गया। गुरु राजनीति करता था तो चेले का भी मन किया कि राजनीति करे। चेले अतीक ने गुरु चांद मियां को 1989 में हुए चुनाव में हरा दिया। गुरु चांद मियां की हार से अतीक को इतना सदमा पहुंचा कि उसने चांद मियां को मौत के घाट उतार दिया। अपने गुरु को जीवन भर हार की पीड़ा से बचाने का काम एक सच्चा चेला ही तो कर सकता है। इन मायनों में अतीक भाई सच्चे शिष्य भी निकले। देखिए बाकी माँ बाप जहाँ बच्चों पर अपनी मर्जी थोपने की कोशिश करते हैं, हर वक्त उन पर पढ़ाई का प्रेशर बनाते हैं, अतीक भाई इस मायने में उन सब से उलट थे। उनका बेटा असद बचपन में वकील बनना चाहता था, मुजरिमों को जेल पहुंचाना चाहता था, मगर अतीक को पता था कि इस बोरिंग प्रोफेशन में क्या रखा, कुछ भी नहीं। इसलिए उसने बचपन से ही उसके हाथ में बंदूक थी। अतीक बाकी बापों की तरह दोगला नहीं था, वो खुद क्रिमिनल था तो उसने अपने बच्चों को भी क्रिमिनल ही बनने दिया। इस तरह उसने अपने बच्चों के साथ अपना आपराधिक अनुभव भी शेयर किया। सोचिए जरा, असद अगर एविएशन इंजीनियरिंग करते हुए अपने पिता अतीक से कोई इंजीनियरिंग का सवाल पूछता तो यूपीएसटीएफ से पहले उसका एनकाउंटर तो अतीक के हाथों हो जाता। नहीं ठीक से सुनता नहीं यार। तो ऐसा था हम सब का प्यारा राज दुलारा, किस्मत का हमारा अतीक, जो इस बाली उम्र में हम सबको छोड़कर चला गया। अभी उसकी उम्र ही क्या थी, अभी उसने न जाने कितने और अपराध करने थे, कितनों के घर उजाड़ने थे, मगर होनी को शायद यही मंजूर था। मगर मैं चाहता हूं कि जाने से पहले आप अतीक से जुड़ा ये किस्सा भी जान लें, जिसका आज तक शायद कहीं जिक्र नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारे लोग इस बारे में जानते हैं। ध्यान से सुनिएगा और फिर आप जान जाएंगे कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि ऊपर वाले की लाठी बड़ी बेआवाज होती है। तो दोस्तों बात है साल 2014 की। लोकसभा चुनाव होने वाले थे, अतीक को भी चुनाव लड़ना था। उस वक्त श्रावस्ती से नगरपालिका चेयरमैन भी अतीक की पार्टी के ही थे। अतीक की तरह वो भी मुस्लिम थे, मगर वो बड़े सज्जन आदमी थे, हिंदू मुसलमानों में बराबर लोकप्रिय थे। कहते हैं अतीक ने उनसे 2 करोड़ की डिमांड की और उन्हें कहा कि ये पैसा मुझे जल्दी चाहिए, मुझे इलेक्शन लड़ना है। वो साहब बड़े सीधे थे, उन्होंने कहा अतीक जी इतना पैसा मैं कहाँ से लाऊंगा। इस पर अतीक ने सीधे धमकी दी कि ये पैसा मुझे हर हाल में चाहिए, पैसा नहीं मिला तो तुम्हारे बेटे का जो हश्र होगा उसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। कहते हैं इसके कुछ रोज बाद उन साहब का इंतकाल हो गया। शायद वो ये दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाए। और जैसा मैंने कहा था ना कि ऊपर वाले की लाठी बड़ी बेआवाज होती है, अतीक को शायद किसी हत्यारे की गोली से मरना ही था, मगर उसकी मौत से एक रोज पहले उसे अपने बेटे की मौत भी देखनी पड़ी। वो शख्स जो दूसरों के बेटों को मारने की धमकी देता था, उसे खुद अपनी ही मौत से एक रोज पहले अपने बेटे की मौत देखकर जाना पड़ा। अब इसके बाद क्या ही कहूं सिवाय इसके कि ऊपर वाले की लाठी सच में बड़ी बेआवाज होती है। आप सारी उम्र लोगों की जमीनें हथियाते रहे और आखिरकार बाकियों की तरह 7 फीट के गड्ढे में दफन कर दिए गए। सारी जिंदगी दूसरों के परिवारों को तबाह करते रहे और खुद अपना सारा परिवार तबाह होता देखकर गए। क्या हासिल हुआ इस सारी चालाकी का, इस सारे हंगामे का, सारे शोरगुल का, सारी बदनामी का? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले गए। अब क्या ही कहें, कहने को शायद कुछ बचा नहीं है, लेकिन ये वीडियो अगर आपको सही लगी हो तो अपने दोस्तों तक भी इसे जरूर पहुंचाएं, शेयर जरूर करें। देखिए उसे जहां तक हमें पता है उम्र कैद हुई थी। हाँ। तो उम्र कैद का मतलब उसने इतने सारे क्राइम किए थे कि अल्टीमेटली डिसाइड हुआ कि उम्र कैद होगी। तो ये तो क्लियर था। उसके बाद भी अगर जनता कहती है कि वो क्रिमिनल नहीं है तो जनता में प्रॉब्लम है, बिल्कुल प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो लोग काफी लोग दिखे थे जो कहते थे हम तो कोर्ट की मानते हैं, तो कोर्ट की मानो ना। अगर मतलब इवेंचुअली जो है उसे लाइफ इंप्रिजनमेंट हुई है तो क्लियर हो गया कि वो क्रिमिनल है, इसमें कोई डिबेट होना नहीं चाहिए।